बढ़ती उम्र के साथ इंसान को कई बीमारियां घेर लेती हैं और यह बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन वह बीमारी इंसानों के हाथ में है, आप अपने आप को कितना हावी होने देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करके व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। 1. बालों को काला, घना और चमकदार बनाने के लिए आंवले का प्रयोग होता है। इसके पाउडर से बाल धोने या फिर इसे खाने से बालों की समस्याओं से निजात मिलती है। 2. आंवले को पीसकर पेस्ट बना लें और उसकी पोटली बनाकर आंखों पर बांधें। इससे पित्त दोष के कारण होने वाली आंखों की खुजली, जलन आदि की परेशानी में लाभ मिलता है। 3. आंवले का फल। आम की गुठली के मज्जा को एक साथ पीस लें। इसे सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल काले हो जाते हैं। 4. गठिया में जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है। इस परेशानी से सबसे ज्यादा बड़े बूढ़े होते हैं। इसमें 20 ग्राम सूखे आंवले और 20 ग्राम गुड़ लें। इसे 500 मिली पानी में उबाल लें, छानकर सुबह शाम पिएं। इससे गठिया में लाभ होता है। 5. उल्टी नहीं होगी। आंवला से 5-10 ग्राम आंवला के चूर्ण को पानी के साथ पीने से भी उल्टी में फायदा होता है। 6. दस्त में आंवला के 10-12 ग्राम आंवले के कोमल पत्तों को पीसकर छाछ के साथ रोज सुबह शाम सेवन करें। इससे दस्त में लाभ होता है। 7. कब्ज में आंवला के फायदे में 3-6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुने जल के साथ सेवन करें। इससे कब्ज में लाभ मिलता है। 8. हिचकी के परेशानी को ठीक करने के लिए 10 आंवला रस के साथ में शहद मिला लें। इसे सेवन करने से हिचकी में लाभ होता है। 9. नाक से खून बहने की समस्या अनेक कारणों से हो सकती है। इसमें आंवला फायदेमंद होता है। आंवले को बारीक पीस लें। इसे मस्तक पर लेप करने से नकसीर, नाक से खून बहने की समस्या में लाभ होता है। मुंह में छाले हो गए हो तो 1 चम्मच पिसे हुए आंवले में 1 बड़ा चम्मच शहद अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस पेस्ट को मुंह के छाले पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। यह उपाय 1 हफ्ते तक रोज दिन में 1 बार करें। 11. छोटे बच्चों दिमाग को तेज करने में आंवले के साथ गुड़ के साथ दें। 12. महिलाओं में ब्लड की कमी होने पर आंवले का जूस लेना से काफी लाभप्रद होता है और ब्लड की कमी नहीं होने देता। 13. आंवले के पत्ते और फल का मिश्रण आंखों में लगाएं। इससे आंख आने की परेशानी से राहत मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट करना न भूलें। स्वस्थ रहें और मुस्कुराते